हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और ट्वेल्थ की केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की है। हम लोगों को सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री के कोलाइड्स हम पढ़ रहे थे और कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन जो है कुछ रह गया था, तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। यानी डिस्पर्स्ड फेज कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बेसिस पे कितने होते हैं कोलाइड्स के टाइप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। पता है ना, दो फेज होते हैं, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है बेसिकली, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, दो चीज होती है इसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, है ना। तो देखिए, अब इसके बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें कोलाइड्स को, तो ये तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? तीन टाइप के, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। ठीक है, अब कौन से टाइप होते हैं? पहला टाइप मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ठीक है, पहला कौन सा टाइप हुआ? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। दूसरा मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। अब थर्ड वन एसोसिएटेड कोलाइड्स। यहां पर हमने तीन टाइप देखे हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो चलिए वन बाय वन हम तीनों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको भी पढ़ना है, इसको भी और इसको भी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, अब हमें पता करना है कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं। तो अगर बात की जाए इसकी परफेक्ट डेफिनेशन की, तो देखिए दे आर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच जनरली हैव डायमीटर इन कोलाइडल रेंज। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं कैसे, कि एटम और मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन जो कि कोलाइडल रेंज में नहीं आते हैं, वो सारे इकट्ठे होते हैं और किस रेंज में आते हैं? कोलाइडल रेंज में। कहने का मतलब है, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए मल्टी मॉलिक्यूलर जो कोलाइड्स होता है वो इस तरीके का है, सपोज करिए बहुत छोटा छोटा है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे हैं। अब इनकी जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स होते हैं, इनकी जो जनरली रेंज होती है वो, देखिए जो कोलाइड्स होते हैं बेसिकली उनकी रेंज क्या होनी चाहिए? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स होते हैं उनकी रेंज सपोज करिए कि 1 नैनोमीटर से भी कम होती है, बेसिकली तो कम ही होती है, बट मान लीजिए कि 1 नैनोमीटर से कम है। अब वो चाहे कितनी भी है, ठीक है, अगर 1 नैनोमीटर से कम है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स की रेंज, तो देखिए क्या होता है कि छोटे छोटे जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स हैं ये क्या करते हैं? आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और ये इस रेंज में आ जाते हैं। किस रेंज में आ जाते हैं? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। और ये रेंज कौन सी हो गई? कोलाइडल रेंज। ठीक है, और जो कोलाइडल रेंज होने के बाद में ये आराम से कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं, क्योंकि इनका कोलाइडल रेंज में होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक डायग्राम से और एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए सपोज करिए मेरे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है? वॉटर। क्या है? वॉटर। ठीक है, अब अगर इस वाटर में मैंने डाल दिया क्या? स्टार्च। स्टार्च के अंदर आप देख लीजिए मैदा आटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा वाटर है।
और ये क्या है? स्टार्च। अब आप देखिए, ये स्टार्च जब पानी में घुलेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये स्टार्च तो बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा इसका जो है पार्टिकल्स की साइज होती है, रेंज होती है। तो ये क्या करते हैं, स्टार्च के जो पार्टिकल्स है वो इकट्ठे हो जाते हैं आपस में, ठीक है, वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो ये स्टार्च पार्टिकल्स हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, इकट्ठे यानी एग्रीगेशन इनका हो जाता है, एग्रीगेशन इनका हो जाता है। अब जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो इनकी साइज किसके बीच में आ जाती है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, जो कि किसकी साइज है, किसकी रेंज है साइज की? कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये जो एक एग्जांपल है, ये बेसिकली क्या बना लेगा? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स होते ही ऐसे हैं, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से कम होती है, इनको जोड़ के बनते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ठीक है। अब इसका अगर अपन एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं गोल्ड का जो सोल होता है, ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट हम चलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स के अंदर। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं? देखिए, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि लो टेम्परेचर पे, सर्टेन सब्सटेंस इन द मीडियम एट लो कंसेंट्रेशन बिहेव्स एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। कहने का मतलब है, कुछ सब्सटेंस होते हैं जब वो मीडियम पे जाते हैं, घुलते हैं एट लो कंसेंट्रेशन जब उनकी होती है, तो वो कैसे बिहेव करते हैं? एक नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह, मतलब तब उनमें कोलाइडल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, ठीक है, जब वो किसमें होते हैं? लो कंसेंट्रेशन में। लेकिन अगर वो हाई कंसेंट्रेशन पे हो जाए, तो उनके अंदर कोलाइडल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। बट नोट कर लीजिएगा, बट एट एग्जिबिट, मतलब कि होती है क्या कोलाइडल बिहेवियर, या फिर मैं बोलूं प्रॉपर्टीज, मैं लिख रही हूं बिहेवियर, कोलाइडल बिहेवियर, ठीक है। कोलाइडल बिहेवियर इनके अंदर होता है कब? जब ये हाई कंसेंट्रेशन में होते हैं। अब ये कोलाइडल बिहेवियर ऐसा क्या हो जाता है हाई कंसेंट्रेशन पे आते ही, कि इनके अंदर कोलाइडल बिहेवियर आने लग जाता है? तो क्या होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, क्या होने लग जाता है? इनके अंदर फॉर्मेशन होता है किसका? पार्टिकल्स का। एग्रीगेटेड पार्टिकल्स मतलब सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट होकर जो है इनके अंदर क्या आ जाती है? बिहेवियर, कोलाइडल बिहेवियर। अब आपको पता होगा, आपने 10th में पढ़ा है मिशेल, फॉर्मेशन ऑफ मिशेल, सॉप सॉल्यूशन में क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स कैसे होती है, ठीक है ना, सॉप सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, या मिशेल आपने पढ़ा है, फॉर्मेशन ऑफ मिशेल उसके अंदर होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है 10th में, ठीक है। तो मिशेल बेसिकली क्या होता है? मिशेल जो है एग्जांपल है एसोसिएटेड कोलाइड्स का। जो मिशेल होता है बेसिकली वो क्या होता है? एग्रीगेटेड पार्टिकल्स का फॉर्मेशन, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मिशेल। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में मिशेल के बारे में, कि मिशेल क्या होता है और फॉर्मेशन ऑफ मिशेल के बारे में, क्योंकि मिशेल ही जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसोसिएटेड कोलाइड्स का। फॉर्मेशन ऑफ मिशेल, मिशेल्स हम किसको कह रहे हैं? एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को।
तो देखिए, अगर मैं कंसिडर करूं सोप सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि हम उसी में ही पढ़ते हैं, ठीक है, सोप सॉल्यूशन, बेसिकली सोप क्या होता है, सोप सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो हायर फैटी एसिड होते हैं, सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट के हायर फैटी एसिड जो होते हैं बेसिकली, उन्हें हम बोलते हैं सोप, ठीक है ना। तो अब अगर हम ये सोप सॉल्यूशन वाटर के अंदर ट्रीट करें तो क्या होगा, अगर वाटर में हम इन्हें मिलाएं तो क्या होता है, तो देखिए फॉर्मेशन कब होगा मिश्रण का। देखिए इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली वो होते हैं C17H35, ठीक है, ये होता है हमारा सोप, सोप के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब आप देखिए इसको तो हम बोलते हैं R से, एल्काइल ग्रुप जो होता है, ठीक है, इसको हम हाइड्रोकार्बन की चेन भी बोलते हैं, और ये अपना अलग रहता है बेसिकली, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, आप देखते होंगे सॉफ्ट सॉल्यूशन में ये चीजें होती है, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ मिसल कैसे हो रहा है, तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मिशल है वो ऐसे ही किसी भी टेम्परेचर पे जो है मिशल नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि आपने सॉप का सॉल्यूशन जो है वाटर में मिलाया, या कोई भी मतलब डिटर्जेंट वगैरह अगर आपने वाटर में मिलाया और किसी भी टेम्परेचर पे मिशल बन गया, ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है मिशल का, उसे हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, जिस पर कि मिशल बनता है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि आपने डिटर्जेंट के एक दो दाने वाटर में डाले और मिशल बन गया, ऐसा भी नहीं है। एक पर्टिकुलर जो है कंसंट्रेशन होता है मिशल बनने के लिए, उस डिटर्जेंट की भी कोई कंसंट्रेशन होनी चाहिए, कुछ अमाउंट होना चाहिए पर्टिकुलर, तो हम उस जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को हम क्या बोलेंगे, उस कंसंट्रेशन को हम क्रिटिकल मिशल कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन पर मिशेल बनेगा, इसको हम इंग्लिश में ये भी बोलते हैं शॉर्ट में CMC, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। और अगर जो टेम्परेचर जिस पर की मिशेल बनेगा उसे हम बोलेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर। तो चलते दोबारा हम चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिशेल पे, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको देनी थी। तो अब देखिए जो सॉल्ट, जो सॉप का सॉल्ट होता है बेसिकली, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, RCOO-Na+, ठीक है। अब ये जो पार्ट है बेसिकली RCOO-, इसके अंदर जो है टू पार्ट्स होते हैं, इसके भी क्या होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, जो कि आपको दिख ही रहा होगा, एक तो ये और एक ही। जो ये R है बेसिकली, ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, क्या है ये, हाइड्रोकार्बन की चेन। तो जो ये R होता है बेसिकली, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि जो पानी को रिपेल करता है, क्या करता है, पानी को रिपेल करता है, पानी को दूर भगाता है, ठीक है, पानी को रिपेल करता है, पानी को दूर भगाता है, जिसको डर लगता है पानी से, तो ये हाइड्रोकार्बन की चेन होगी। अब ये COO- जो है ये होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वॉटर लविंग, जो पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, वाटर लविंग, ठीक है। हम जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है उसको बोलते हैं टेल, ठीक है, और COO- जो एनायन है उसे हम बोलते हैं हेड, ठीक है। अब देखिए इसको मैं आप और समझाती हूं, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हाइड्रोकार्बन की चेन है वो वाटर रिवल यानी हाइड्रोफोबिक है, पानी में नहीं घुलेगी, और जो COO- है या हाइड्रोफिलिक है यानी ये वाटर लविंग है, ये पानी में घुल जाएगा, ठीक है। चलिए आपको एक्स्ट्रा चीजों और बताती हूं मैं, अब होता क्या है, इस टाइप से कुछ होता है स्ट्रक्चर इनका, कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। इधर आगे जाके Na पॉजिटिव ये मिलते हैं, ठीक है, मैं सिर्फ एक बार इनकी बात कर रही हूं। ये क्या हो गया, टेल, ये हो गया इसका हेड, ठीक है। जब भी क्या होता है, सपोज करिए पानी है,
पानी के अंदर जब भी ये पार्टिकल्स होते हैं, सॉफ्ट सॉल्यूशन होता है, पार्टिकल्स होते हैं, वहां पर कोई भी क्लोथ नहीं रखा है हमने, जो भी डर्टी क्लोथ हमने नहीं रखा है, नॉर्मल पानी में हमने सॉप को मिलाया है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि जो ये जो पूरा का पूरा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे, ये इस तरीके से होगा। दिख रहा है, यानी टेल तो ऊपर रहेगी और जो हेड है यानी COO- ये नीचे रहेगा। ये पता है क्यों रहेगा? अब सोचो, दिमाग लगाओ, ये COO- यानी हेड तो नीचे रहेगा, टेल ऊपर रहेगी, ऐसा क्यों? टेल सरफेस पे है और जो हेड है वो नीचे है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, बताया था ना, भूल गए, हाइड्रोफोबिक है, और जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब कि ये पानी की तरफ आकर्षित होती है और टेल जो है वो पानी से दूर भागता है, इसलिए स्टार्टिंग में जब हम सिर्फ वाटर के अंदर सॉफ्ट सॉल्यूशन को डालते हैं तो ये कंडीशन रहती है। अब बात करते हैं क्लीनिंग ऑफ क्लोथ, कैसे क्लीनिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है, तो क्या होता है? तो देखिए, जब नॉर्मल कंडीशन में जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है वाटर में घुल रहा था तब तो नॉर्मली सारी चीजें हो रही थी, मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब कंसंट्रेशन कैसा हो जाए, मैं इसको बताती हूँ, जब कंसंट्रेशन कैसा हो, CMC क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन पर और क्राफ्ट टेम्परेचर पर मिशेल बनता है, ये आपको पता है, जब वो कंसंट्रेशन अचीव हो जाए, जब क्या हो जाए, वो कंसंट्रेशन अचीव हो जाए तो किस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं, एक मिशेल बना लेते हैं, सारे पार्टिकल्स कैसे करते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं। ऊपर क्या होता है, हेड, हेड को हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा हेड, और टेल यहां पर होती है इधर, और ये इस तरीके से क्या बना लेते हैं, मिशेल, क्या बना लेते हैं, मिशेल। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया कि मैं क्लीनिंग एक्शन अगर आपको समझाऊं तो कैसे होता है क्लीनिंग एक्शन, कि देखिए बताती हूँ मैं आपको डायग्राम देती हूँ, क्या होगा, ये कंटेनर पानी सॉप, सॉरी पानी को मैं एक बार नहीं दिखा रही हूं ताकि आपको ढंग से वो दिख जाए कि कैसे क्लीनिंग एक्शन कैसे हो रहा है। तो देखिए, यहां पर ये ऑयल ड्रॉप है, इसे मैंने क्या बोल दिया, ऑयल ड्रॉप, ठीक है। अब ये ऑयल ड्रॉप किस पर है, ऑब्वियस सी बात है कपड़े के ऊपर है, कपड़ा है कपड़े के ऊपर, ये ऑयल ड्रॉप है मेरे लिए। तो क्या होगा, जो मिशेल बन चुके हैं बेसिकली वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कि ये इसके ऊपर ऐसे अटैक करेंगे, और मुझे अब आप एक क्वेश्चन के थ्रू बताइए, अब मुझे आप बताइए कि जो ऑयल ड्रॉप की तरफ कौन से पार्टिकल्स चिपके होंगे, बताइए, आर चिपका होगा या टेल चिपका होगा, या मैं बोलूं हाइड्रोकार्बन की चेन चिपकी होगी, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन की चेन क्या है, लिक्विड सॉरी ऑयल लविंग, ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर को वाटर की तरफ भाग, वाटर से भागती है, वाटर को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो ये ऑयल पे स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, और बाहर की तरफ कौन होते हैं, टेल, इसको माइनस से दिखा सकती हूँ, माइनस से दिखा देती हूँ मैं आपको, वो COO- था ना, ठीक है, माइनस से मैंने दिखा दिया, और अंदर की साइड क्या है, टेल है, क्या है, टेल है। अब जो ये टेल होती है बेसिकली ये क्या कर रही है, ऑयल पे स्टिक हो गई, कपड़े के ऊपर ऑयल और ऑयल पे ये क्या हो गई, एकदम स्टिक हो गई, एकदम चिपक गई, ठीक है। अब क्या होता है, खींचम तान स्टार्ट होती है, कैसे, कि जो ये वाटर लविंग पार्टिकल्स हैं, वाटर लविंग पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, पानी की तरफ मतलब चिपकने के लिए भागते हैं, ठीक है, इधर उधर मतलब अट्रैक्ट होने के लिए भागते हैं, और इधर से ये लोग क्या करते हैं, ये जो टेल है ये क्या करती है, हाइड्रोकार्बन की चेन क्या करती है, ऑयल को एकदम पकड़ के रखती है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। तो खींचम तान में क्या होता है, जो ये ऑयल पार्टिकल्स हैं ये ऑयल के धब्बे को लेकर हट जाते हैं, ठीक है, धब्बे को लेकर हट जाते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो क्लोथ होता है वो साफ हो जाता है, और जो ये धब्बा है ऑयल का ये किसके साथ चला जाता है, टेल के साथ, इसे हम सोडियम सिट्रेट भी बोलते हैं, ठीक है, टेल के साथ ये चला जाता है। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है क्लीनिंग का, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिशेल कब बनता है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, और टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए, क्राफ्ट टेम्परेचर, और ये एक एग्जांपल है एसोसिएटेड
कोलाइड्स का। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू सो मच।